बोधगया बिहार में सबसे अच्छा क्यों, मैं इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। देश के बिहार राज्य में स्थित बोधगया शहर में महाबोधि मंदिर बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र और पवित्र स्थानों में माना जाता है। यहीं पर बोधि वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह मंदिर वस्तुकला और बौद्ध धर्म की परंपराओं का सुंदर नमूना है। विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों के लोग यहाँ आध्यात्मिक शांति की तलाश में आते हैं। 19वीं सदी में ब्रिटिश पुरावित कनिंघम और भारतीय पुरावित डॉक्टर राजेंद्र लाल के निर्देशन में 1883 ईस्वी में खुदाई की गई और काफ़ी मरम्मत के बाद यह मंदिर के पुराने वह में स्थापित किया गया। ऐतिहासिक एवं धार्मिक बौद्ध मंदिर को वर्ष 2002 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल कर इसे विश्व विरासत घोषित किया गया। यहाँ देश के नहीं पूरे विश्व के पर्यटक खासकर बौद्ध मत पर विश्वास रखने वाले धर्मावलंबी बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं। यहाँ मंदिर विश्व के मानचित्र पर अपना विशेष धार्मिक महत्व रखता है। मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक द्वारा किया गया था। मंदिर परिसर में उन सात स्थानों को भी चिन्हित किया गया जहाँ बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद 7 सप्ताह व्यतीत किए थे। मुख्य मंदिर के पीछे बुद्ध की 7 फीट ऊंची लाल बलुग पत्थर की विराजन मुद्रा में मूर्ति स्थापित है। मूर्ति के चारों तरफ विभिन्न रंगों के पटाखे मूर्ति को आकर्षक बनाते हैं। मूर्ति के आगे बलुआ पत्थर पर बुद्ध की विशाल चिन्ह है जिन्हें धर्म चक परिवर्तन का प्रतीक माना जाता है। यहाँ बुद्ध ने पहला सप्ताह बिताया था। परिसर में स्थित बोधि वृक्ष एवं खड़ी अवस्था में बुद्ध की मूर्ति स्थल को निमेश लोचन कहा जाता है। यह चौथ मंदिर के उत्तर पूर्व में है जहाँ बुद्ध ने दूसरा सप्ताह व्यतीत किया था। इस स्थल पर 16 जनवरी 1993 को श्रीलंका के राष्ट्रपति रणसिदे प्रेमदास द्वारा सोने की छतरी का निर्माण करा इसे आकर्षक स्वरूप प्रदान किया। मुख्य मंदिर का उत्तरी भाग चकमाना नाम से जाना जाता है जहाँ काले पत्थर का कमल का फूल बुद्ध का प्रतीक बना है। यहाँ बुद्ध ने तीसरा सप्ताह बिताया था। छत विहीन भग्नावशेष स्थल रत्न स्थान जहाँ बुद्ध ने चौथा सप्ताह भी दिया था। जनश्रुति के अनुसार बुद्ध गहन चिंतन में लीन थे तभी उनके शरीर से प्रकाश की एक किरण निकली थी। प्रकाश की इन्हीं किरणें कर रंगों का उपयोग विभिन्न देशों द्वारा लगे पताके में किया जाता है। मुख्य मंदिर का उत्तरी दरवाजे से थोड़ी दूर अजयवा अर्वट वृक्ष के नीचे बुद्ध ने 5वां सप्ताह बिताया था। मंदिर के दाईं ओर स्थित मुचलित सरोवर जो चारों तरफ से वृक्षों से घिरा है, सरोवर के मध्य में बुद्ध की मूर्ति स्थापित है जिसमें विशाल सर को बुद्ध की रक्षा करते हुए बताया गया है। यहाँ बुद्ध ने 6ठा सप्ताह व्यतीत किया था। परिसर के दक्षिण पूर्व में स्थित राजयता बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध ने 7वां सप्ताह व्यतीत किया था। बोधगया को ज्ञान का केंद्र माना जाता है। बोधगया निरंजना नदी के तट पर बसा। बोधगया घूमने का सबसे अच्छा समय अप्रैल मई में आने वाली बौद्ध जयंती का अवसर है जब यहाँ सिद्धार्थ का जन्मदिन विशेष उत्साह एवं परंपराओं के साथ मनाया जाता है तथा जयंती इस दौरान हजारों मोमबत्तियों से मंदिर को सजाया जाता तथा जलती मोमबत्तियों से उत्पन्न दृश्य मनुष्य के मानस पटल में अंकित हो जाता। बोधगया में 1934 में बना तिब्बतीय मठ, 1936 में बना बर्मी विहार तथा इससे लगा थाई मठ, इंडोसन निपन, जापानी मंदिर, चीनी मंदिर और थाई मठ के पर्यटकों के लिए दर्शनीय स्थल है। बोधगया में स्थित पुरातात्विक संग्रहालय अपने आप में बेजोड़ है। नमो बुद्धाय।